आप बताइए कितने ठाकुर का इनकाउंटर हुआ, कितने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चली, ये बताइए आप। हमारे पास लिस्ट, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके पास है? आपको मैं दिखा सकता हूँ पूरे, मतलब पूरे स्टेट की, जहाँ पे इतनी समय डीएम एसपी सब इनके सजाती लोग हैं, वो भी दिखा दूँ। बिल्कुल राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे भदोही, अशोक चिंचनदेल 37 मुकदमे हमीरपुर, विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौली, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे गोंडा, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बनारस, सोनू सिंह 57 मुकदमे सुल्तानपुर, मोनू सिंह 48 मुकदमे सुल्तानपुर, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे मिर्जापुर, पिंटू सिंह 23 मुकदमे बस्ती। इतने सारे लोगों की बहुत सारी लिस्ट है। बात जात की नहीं, जात पे ही तो राजनीति हो रही है, जात पे ही तो राजनीति हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मंगेश यादव इनकाउंटर का मामला जो है लगातार तूल पकड़ा हुआ है, ऐसे में हम गांव में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। चाची का हाल चाल बा? हाल चाल यह है कि जब से बटोरो है गोरु देख लियो चले। हाँ तो पैसे पठाए गए सबका हुआ है, तो गोरुओ तो देख लियो चले, जितना खरीदता है जितना मन देखो तब तक गोरुओ देख लियो चले। गोरु देख ले? हाँ जितना गोरु देख ले, जो तक समस्या है गोरु का दिक्कत होता आपकी, सब बिना गोरु का दिक्कत हो जाता है, सब बिना ले आओ, सब पाले हन गोरु, सब बिना ले आओ, कहां पहुंचे गोरु, कौन गोरु को पहला दो तीन साल गोरु देख लियो चले, कौन गोरु है, का करत हन गोरु, गोरु से ज्यादा खा देते इतना ना दे दे ना दाल ना नो ना कुछ ना खाली सो कोई का चबाई है। मोदी जी 5 किलो राशन दे थी, 5 किलो 5 किलो राशन दे तो पूरा दिए ना, हम ढील दे चले जा, हम ना ताका जा ले दे पूरा 5 किलो दे थी ना, क्या चाहिए तेल दिया नॉन दिया सब चीज दिया दाल दिया। हाँ। चाउर दाई देहन और गेहूं तने के दाई देहन दो दो किलो वह पूर्ण होई, या धोती फटाही पहर के कहो उनका बकरी जा कहो खरीद गरीब दुखिया, हम कहां जाए खरीदे, योगी जी सही नहीं है, योगी सही नहीं, सही नहीं जा मगर योगी सही नहीं है। हम कई गोरु बंधेज कह दिया, चाहे राशन का दिया चाहे ना दिए, हाँ। चाहे बता दिया गोरु बांध ले, हाँ गोरु बांध ले। आप बहुत दुखी हो चाची? हाँ बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, लान लान लड़का ढील ढील जाई, कता सियार खा डा रहे, कता भरा खा डा रहे, ना दी का भला बता, लड़का दिया खा दे बड़े वो सब पढ़े लिखे घूम रहे ना नौकरी दे सके ना कुछ नहीं, सब लड़का पूरा जनता देखो पूरी पब्लिक ऐसे है कहा दे हन नौकरी को दिन गुस्सान हुआ, हम तो गुस्सान है नौकरी लड़कन का दे पढ़ाई लिखाई कार्ड मुझ के पढ़ावा लिखावा कथा एक छह नौकरी नहीं दे सकता यार। हाथ से स्वरोजगार करो, अपने हाथ से रोजगार पैदा करो, रोजगार गोरु बांध ले तो रोजगार करे खेत में, जब गोरु चरिन रहे तो का हो या पहले बताओ, हां या पहले बताओ का खावा जाई, मतलब योगी निक सरकार ना चला जा उन गोरु हम रखबो करे वो पैरा भूसा होई ना तो उनका का खवाई, योगी योगी निक सरकार ना चलाओ था का सरकार प्रकार कौन ना चाहिए हमार जो खोला खान है। योगी जी 5 किलो राशन देते हैं किसान सम्मान निधि 2000 रुपया, अरे भाई 2000 रुपया जाने का मिला हुआ मिला, हमको तो नहीं मिलता है, कोई का मिला है तो देख सकते हैं। और भी लोग हैं बातचीत करने को, भैया मंगेश यादव प्रकरण को लेकर के आप क्या मानते हैं, क्योंकि योगी सरकार लगातार सवालों घेरे में है, लोग कह रहे हैं कि जात देखकर इनकाउंटर हुआ है, क्या बिल्कुल जात देखकर इनकाउंटर हुआ है, बिल्कुल जात देखकर इनकाउंटर हुआ है, मीडिया की सबसे बड़ा रोल तो इसमें मीडिया का है, जो मीडिया अनाप शनाप बकती है, जब देखो मोदी मोदी योगी करती रहती है, कभी धरातल पे आकर नहीं देखती क्या हो रहा है, क्या देखे धरातल पे, क्या है धरातल पे, किस तरह युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। तो और कांग्रेस सरकार आ रहे तो क्या महंगाई बेरोजगारी ना रहे, बिल्कुल वही सरकार, तो हम कहते रहे योगी से हमारे पुराने दिन वापस कर दे, वही पुराने दिन वापस कर दे, अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छा आप ये बताइए क्यों क्यों मानते हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर जात के आधार पर हुआ, क्यों मानते हैं? बिल्कुल जात के आधार, क्योंकि मंगेश यादव का इस डकैती से कोई लेना देना नहीं है, उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा, दो दिन पहले उसको पकड़ के ले गया, उसके दो कस्टडी में उसका इनकाउंटर का यादव है, यादव का इनकाउंटर हुआ इसलिए आपको दर्द हो रहा है, यादव नहीं अपराधी, अपराधी कोई जात के आधार पर, बिल्कुल कतई नहीं, अपराधी कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई दर्द हो रहा है उसका इनकाउंटर, क्योंकि वो एक निर्दोष है। हाँ अच्छा आप जांच किए थे, बिल्कुल निर्दोष है, आप जांच किए थे, अगर निर्दोष नहीं तो जो इनके इनके गुंडे माफिया घूम रहे हैं जिनके सौ सौ मुकदमे डेंजर, सबका तो इनकाउंटर कर रहे हैं, जो जो पकड़ा जा रहा है सबका इनकाउंटर कर रहे हैं, जो भाग रहा है, आपने कभी देखा धनंजय सिंह को देखा, ब्रजभूषण शरण को देखा, जिसके साथ पहलवान साहब ने क्या किया, उनके यहाँ बुलडोजर चला, कब चलेगा ये बताए योगी मोदी सरकार, मतलब आप कह रहे हैं ठाकुरों को जो है ठाकुरों का इनकाउंटर नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा ना उनका होगा, क्योंकि ये सरकार जात देकर
काम करती है। अच्छा, जात देखकर काम कर रहे, क्यों भैया आप भी मान रहे हैं जात देखकर काम हो रहा है? भैया 101% जात देख के काम, 101 बिल्कुल। यही मंगेश यादव को पुलिस कस्टडी उसके घर से ले गई है पूछताछ के बहाने। पूछताछ करने के लिए जब ले गई है तो उसका काउंटर क्यों किया गया? और उन्हीं के साथी जो उनके सजाती थे उनको बाकायदे सरेंडर करवाया गया। जो है प्रशासन ने उसको सरेंडर करवाया गया। भाग रहा था उसका एनकाउंटर हो गया। मंगेश यादव भाग नहीं रहा, ये आप लोगों के द्वारा भगाया गया है। मंगेश यादव को बाकायदे उनके घर से ले जाया गया है और ये कह के कि आपको मतलब पूछताछ करने के लिए ले जाया जा रहा है। ये उनकी बहन उनकी माँ बयान कर रही है। तो ये गलत तरीके से जो भी एनकाउंटर हुआ ये गलत तरीके। आप ये बताओ जात के आधार पर एनकाउंटर हुआ आप भी मानते? जी हाँ। कैसे मानते हैं? मानते हैं कि गरीब घर का 18 साल का लड़का था, अकेला लड़का। अच्छा, अकेला लड़का अपराध करे तो उसका एनकाउंटर हुआ? जब दादा आप बुढ़ौती में बात करते हैं अपराध। आप मंगेश यादव को एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जो उनका साथी था उसको जो है पुलिस ने बाकायदे सरेंडर करवाया, उसके बारे में आप नहीं बात कर रहे हैं? ये क्यों बाकायदा किया? बाकायदा सरेंडर करवाया अगर अपराधी वो भी था साथ में, और जो है इसको मंगेश यादव को कुख्यात अपराधी बताया गया। ठीक है, वो जो है एक झोपड़ी में रहता था जिसके पास रहने के लिए छत नहीं। एक मिनट भैया, एक मिनट। जिसके पास रहने के लिए एक छत नहीं है वो कितना बड़ा अपराधी हो सकता है आप बताइए? उसी के साथी जो है बाकायदे प्रशासन की मिली भगत से उसको सरेंडर करवाया गया, ये आप बताइए? इसको आप कानून कहते हैं? कानून कहते हैं आपके नजरिए में क्या है ये बताइए? कानून राज सही नहीं चल रहा बिल्कुल। अगर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है तो उसके साथी का भी एनकाउंटर होना चाहिए। अगर पहले मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, मंगेश यादव भागा नहीं, मंगेश यादव को बाकायदे उसके घर से ले जाया गया पूछताछ के बहाने। अगर वो घर से ले जाया गया, वो भागा नहीं पूछताछ करने के लिए ले जाया गया, तो उसका काउंटर क्यों किया गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, सरकार से। सरकार पुलिस ने एक वीडियो जारी किया था कि उनके घर वालों से पूछा जाता है, घर वाले कहते हैं वो तो मुंबई में था। पुलिस वाले बाकायदे जैसे मतलब हम लोग कहीं जाते हैं पॉइंट पर सेल्फी लेते हैं, उस हिसाब से उसका एनकाउंटर किया गया है। समझे भैया, ये जो है एनकाउंटर बहुत गलत तरीके से जो कि सरकार की जात के आधार पर क्या ठाकुरों का एनकाउंटर नहीं हुआ? आप बताइए कितने ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, कितने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चली, ये बताइए आप। हमारे पास लिस्ट, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लिस्ट आपके पास है? आपको मैं दिखा सकता हूँ। जज कह रहे हैं जात के आधार पर। जी हाँ जी जी, ये कह रहे हैं कि ठाकुरों का एनकाउंटर। ये बताइए कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था लागू होगी? होगी जात व्यवस्था पहले से नहीं, किसने बनाया है? हाँ, किसने बनाया? भगवान ने। ध्यान में भी तो लिखा नहीं, भगवान ने बनाया है। हाँ। तो सिंह कहे ने लिखत रहे? राम सिंह लिखते, लक्ष्मण सिंह लिखते, भरत सिंह लिखते, शत्रुघ्न सिंह लिखते। हाँ। तो मान लीजिए आप तो बन गया है। अरे तो यार ही तो बना है धरती पर, ईश्वर ने इंसान बनाया इंसान, और ये इंसान नहीं राक्षस है। कौन राक्षस? यही जो अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, जो अत्याचार कर रहे हैं मनुष्य नहीं राक्षस है, राक्षस है। हाँ दादाजी क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, क्या चल रहा है? भैया हम कुछ जाने तो है नहीं, जाने कुछ ना जानतो कि हमारे इतनी उम्र है कि हम गेहूं बोए चना बोए कुछ सब गुआई चल रही है, बस इतना जाने बस और कुछ नहीं। मतलब हाँ, इसे हम परेशान है। और हम गौर आगे हम राजनीति ज्यादा नहीं जाए भैया। हाँ, बस इतना जाए थे कि गोरु हर हर रोक लिए तो जानो सब हो गया। भैया 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 क्या हाल चाल, मंगेश यादव के मामले को किस तरीके से देखते हैं? मंगेश यादव के साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है? क्यों गलत हुआ है? वो अपराधी था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर ही किया। एसटीएफ ने पुलिस गई उसके घर, घर से उठा के लेके आई, उसके बाद थाने में रखने के बाद कैसे एनकाउंटर हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति पुलिस को सरेंडर कर दे तो उसके बाद क्या पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी? आप बताइए। हाँ, अच्छा जो योगी सरकार पर सवाल उठ रहा है जात के आधार पर किया गया है, जात के आधार पर एनकाउंटर हुआ है? बिल्कुल, जात के आधार पर एनकाउंटर किया गया है। अखिलेश यादव राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, मतलब यादव का एनकाउंटर हुआ तो इसलिए उनको दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, क्यों दर्द होगा? बैंक की राजनीति के लिए? नहीं नहीं, इसमें दर्द क्यों हो रहा? हाँ। इसमें दर्द क्यों हो रहा? हाँ। भाई अपराधी अगर अपराधी हो तो उसका एनकाउंटर किया जाए। अगर जो बेकसूर अगर किसी का एनकाउंटर किया जाए
तो ये तो सरकार पूरी तरह से गुंडा राज कायम है सरकार में। सरकार में गुंडा राज भैया, सरकार में गुंडा राज कायम है, बिल्कुल कायम है भैया। एक सजाती लोगों का गुंडा राज कायम है, बिल्कुल सजाती लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इनकाउंटर में आप देखेंगे, इनकाउंटर की लिस्ट में देखेंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे ठाकुरों का नंबर है। बात सुनिए, मैं उसी में से आपको एक लिस्ट बताते हैं जिसमें उनके खिलाफ कितने लोगों के यहाँ बुलडोजर चली है। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, उन्नाव ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, वाराणसी धनंजय सिंह 46 मुकदमे, जौनपुर राजा भैया 31 मुकदमे, प्रतापगढ़ डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे, भदोही अशोक चिंचनदेल 37 मुकदमे, हमीरपुर विनीत सिंह 34 मुकदमे, चंदौली ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, गोंडा चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, बनारस सोनू सिंह 57 मुकदमे, सुल्तानपुर मोनू सिंह 48 मुकदमे, सुल्तानपुर अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, मिर्जापुर पिंटू सिंह 23 मुकदमे, बस्ती इतने सारे लोगों की बहुत सारी लिस्ट है भैया, जिसको मैं बताते बताते काफी देर हो जाएगी, समझे भैया। आप ये बताइए कि इन लोगों के ऊपर कितने बुलडोजर चले हैं, आप ये बताइए। जो मुकदमे लगे हैं सब गंभीर धाराओं वाले मुकदमे लगे हैं, आप बताइए। मतलब योगी जी भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव 101% भेदभाव कर रहे हैं भैया। मेरी बात और तुमको मैं बता दूं, यही जो योगी जब सपा सरकार रहती थी, अगर थाने में कोई दरोगा कोई कोतवाल यादव रहता था तो ये लोग ये बताते कि यादव चला रहे थे, ठीक है। मैं आपको एक लिस्ट और दिखा सकता हूँ पूरे मतलब पूरे स्टेट की, जहाँ पे इतनी समय डीएम एसपी सब इनके सजाती लोग हैं, वो भी दिखा दूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ, आप टाइम दीजिए, उधर बात करिए, मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ, ऑन रिकॉर्ड इसको बताइए, चलाइए। फिलहाल मंगेश यादव का मुलाकात पता नहीं कब होगी, आप दादर बात करिए, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। क्या करें चाचा जी, क्या करें, ये बताइए कि मंगेश यादव के ऊपर मुकदमा चला? नहीं चला। चला कि नहीं चला ये बताओ? नहीं चला। नहीं चला। कैसे उसको मार दिया गया? क्यों मारा गया? भाग रहा था। अरे वो भाग रहा था। नहीं, भाग रहा है ना, पुलिस का काम है पकड़ना, इनकाउंटर का नहीं, पुलिस का काम है पकड़ना, उसके पैर पे गोली मारी जाती, क्यों उसको मार दिया गया? भाई पुलिस का निशाना है, लग तो कहीं भी लग सकता। कैसे कैसे क्या उसको प्रशिक्षण दिया गया? पुलिस का काम है कोई भाग रहा है तो उसके पैर में गोली मारी जाए, उसके सीने में गोली नहीं मारनी चाहिए, सजा देना कोर्ट का काम है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया है। बुलडोजर चलाते हो, केस चलाओ, यह सिद्ध होता है दोषी तब बुलडोजर चलाओ, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया उसकी सफाई क्या? वो तो दोषी है। सरकार पे इतने आक्षेप लगते हैं, मनमानी करते हैं। मतलब आप भी मानते हैं जात के आधार पर हुआ मंगेश यादव का जाए भाड़ में? बात जात की नहीं है, बात जात की नहीं, जात पे ही तो राजनीति हो रही है, जात पे ही तो राजनीति हो रही है। मेरी बात, जात पे ही तो राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। देखो जाते पर तुम घूम के रखा था, जात के क्या हुआ है? जात पे कोई नहीं कहता। अखिलेश यादव कहे कोई यादव था इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ है, अपने सजाती का नहीं करते हैं। क्या सजाती को कहते हैं? हम यादव नहीं है। आप यादव नहीं है, कौन सा जात है? हमारा कुछ हुआ है, क्यों हुई? गलत के साथ गलत हुआ, और गलत के साथ गलत हुआ। जाति जात पे जात आधारित सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करिए। अरे बाले, ओबीसी एससी यही बीसी लटका दे, भर्ती न हो पावे। अरे जब कोर्ट का आदेश नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया है, समझो इनकी हुकूमत चलेगी। भगवान है ये, भगवान नहीं रहेंगे, भगवान किसान है, अन्नदाता जो खेतों में पड़ा है, जानवर पाक रहा।